और दोस्तों यहाँ पे हरी धनिया बो रखी तुमने, और हरी धनिया को तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ चला गया, और इसकी भी पूरी चटनी बन चुकी है। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही बेहतर होली चल रहा है, और हमने बहुत सारे और जो हमने यहाँ घर के आंगन में चुकाने के लिए रखे थे कई सारे गेहूँ थे, भैंस भी चुके, बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत गेहूँ संभाल पाए हम। और आप देख रहे हैं यहाँ बहुत ही भैंस होने के लिए दीदी, और यहाँ मंदिर देखने लायक है दीदी, और पूरे के जो दिव्यांग वो देखे घर चुके हैं यहाँ, और यहाँ खेतों पर कितने कितने भयंकर हो चुके हैं। और और दोस्तों इधर दिवस जैसे कि बादल भर चुका होगा यहाँ पर, और यहाँ देखिए हमारे घर के सामने कितनी भयंकर बाढ़ आने लगी, और यहाँ हमारे घर के छत में मिट्टी मिट्टी हो चुका है, तो बेटे क्या हो गया ये इतनी भयंकर तूफान, ओ माय गॉड। इस मंजर को देखकर बहुत डर लगने लगी है दोस्तों। और यहाँ देखिए हमारे घर के छत को किस तरह से भर चुका है, और पूरे खेत वाइट हो चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ देखिए यहाँ पे रहना सुरक्षित ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये जैकेट पहले क्योंकि काफी ठंडा होने लग गया, और इधर तो खेतों के साइड में भयंकर तो बाढ़ आ रही है ना, अभी आपको वीडियो में दिखा देगा, अगर आपको वीडियो में साथ दिखाई देगा तो और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा होगा कितनी भयंकर बाढ़ है, और इस साइड के लिए भी पूरे खेत बर्बाद हो चुके हैं यहाँ बाढ़ की वजह से, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ गिर गया होगा पूरी। और हमारे घर के साइड से भी देखिए कितने सारे पानी जा रहा है, और दोनों साइड से पानी पानी जा रहा है, तो ये मंजर बिल्कुल देखने लायक ना है अभी। और ये देखे ओले के दाने, और कितने बड़े बड़े ओले आ रहे हैं हमारे यहाँ, और जोर से भी लग रहे हैं उससे। तो दोस्तों अभी टाइम 4 बज चुके हैं शाम के, और यहाँ बारिश से ओले गिरने बंद हो चुके हैं, बस ने बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अभी आपको अपने खेतों को दिखाता है कि कितना सारा नुकसान कर रखा है अभी तक, यहाँ खेतों में बहुत भयंकर बाढ़ आ रही है, आप आवाज़ भी सुन सकते हो बाढ़ की, और जितने भी फूल आ रखे थे नए फल फ्रूट आ रखे थे पेड़ पर वो सब झाड़ दिए उसने। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी तक कितने सारे ओले इस वाले खेत में, और इसमें आलू बो रखे थे, और आलू के पौधों को देखिए पूरे उसने पत्तियाँ झाड़ती और कैसे चटनी जैसे बनाती पत्तियों की, तो अभी तो आपको नीचे दिखाते हैं, देखने लायक मंजर ना है यहाँ। और ये प्याज का बीज तो यहाँ पे तैयार कर रखा था हमने, और प्याज का बीज भी सब झाड़ दिया उसने, और ये आड़ू का पेड़ और आड़ू की पत्तियाँ भी देखिए नीचे कितने सारे आड़ू की पत्तियाँ झाड़ दी उसने, और इसमें कितने सारे फूल और मौसमी आ रखे थे, आपने परसों नरसों मेरी वीडियो में देखा होगा, एक भी फूल नहीं बच सके इसमें, और इसके भी सारे पत्तियाँ और मौसमी नीचे झड़ चुके हैं, और नीचे देखिए कितने सारे ओले इकट्ठे हो रखे हैं, और इस वाले पेड़ का भी पत्तियों को देखे, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे लहसुन के भी क्या हालत हो चुके हैं, और नीचे वाले खेत में था प्याज, और प्याज की पत्तियों का भी चटनी बना दी उसने। और दोस्तों यहाँ पे हरी धनिया बो रखी तुमने, और हरी धनिया को तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ चला गया, और इसकी भी पूरी चटनी बन चुकी है, और इधर उधर धनिया जिस पे दाने आए थे, और वो दाने भी बिल्कुल झड़ चुके हैं सबके सब।
और बिल्कुल भी ना है। और ये फूल का पेड़ देखिए, इस पे और इस पे काफ़ी सारे फूल आ रखे थे, सब भी झड़ चुके हैं। और मेथी देखिए, मेथी का भी पता नहीं चल रहा है कहाँ चला गई मेथी, और कैसी चटनी बना के लिए गया सब कुछ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हम दिन में सो रहे थे, आराम कर रहे थे, और अचानक से बादल गरजने लगे थे जोर जोर से, और हम जैसे ही बाहर आए तो बारिश आने स्टार्ट हो चुका था। मैंने यहाँ पूरे खेत क्या कहते हैं से घर के आंगन में गेहूँ सुखाने के लिए रखे हुए थे, और बारिश एकदम से इतनी तेज आई कि हमने गेहूँ ढंग से इकट्ठे भी नहीं किए और यहीं पे रखे हुए, और कई सारे गेहूँ तो हमारे बह भी गए और खेत में भी काट के रखे हुए थे। अभी तो हमने खेत को देखा नहीं कि खेत में गेहूँ है भी या बह गए, वैसे तो ओले ने सारे गेहूँ झाड़ देंगे जितने पके गेहूँ थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ओले अभी तक है, वैसे तो ओले बहुत खेतों में भी है और बहुत ही ठंडा हो रहे हैं ओले, और ओले ने बहुत ठंडा करते हैं पहाड़ों में मौसम और भी। तो अभी मैं थोड़ा गांव की तरफ देखता हूँ कि गांव की तरफ क्या हाल चाल है। उस टाइम तो मैं जा नहीं पाया, इस टाइम तो कोई भी नहीं आता इतने ओले में बाहर। तो दोस्तों अभी मैं अपने मुर्गे फार्म की तरफ जा रहा था और फिर से ओले गिरने लगे, और अभी शाम के 5 बज चुके हैं। और यहाँ देखिए सड़क में, यहाँ सड़क में कितनी भयंकर बाढ़ आ रखी है और पूरा मलबा आ रखा है यहाँ सड़क में। और इस ओले में यहाँ पे कुत्ते लड़ाई कर रहे हैं, और 5-6 कुत्ते एक साथ हो चुके हैं और मेरे पास आ रहे धीरे धीरे। और इधर देखिए सड़क तो बर्बाद हो चुका है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे और भी तेज ओले गिरने लगे, तो मुझे फटाफट जाना पड़ेगा मुर्गा फार्म में, और न बाहर रखूँगा तो मैं इस पर ओले गिर सकते हैं, और बहुत ज़ोर से लगे ओलों से, और ब्लैकी और काल भी मेरे साथ आ रहे हैं। पुरानी मौसम क्या करके मानेगा,